ड्राई स्किन की पहचान करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत इजी तरीके से ड्राई स्किन को पहचाना जा सकता है, क्योंकि हम सब लोग फील करते हैं ड्राई स्किन को। जैसे ही सर्दियां आती हैं, सबकी स्किन ड्राई हो जाती है और सब लोग भागना शुरू करते हैं ड्राई स्किन डेली रूटीन की तरफ, और रूटीन फॉलो भी होता है और अपनी स्किन को ड्राइनेस से बचा के भी रखते हैं। और फिर जैसे ही सर्दियाँ वापस जाती हैं, सबकी स्किन अपने फॉर्म में आ जाती है, जो जिसकी स्किन होती है वैसी हो जाती है। ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी जो स्किन टाइप है वैसे चेंज हो जाती है। उनका क्या, जिनकी स्किन ड्राई है ऑल टाइम, उनकी स्किन ड्राई है, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम आए जाए, उनकी स्किन ड्राई ही है, उनकी स्किन ऑयल बनाती ही नहीं है, नेचुरल ऑयल बनाती ही नहीं है, तो वो क्या करें और कैसे अपने स्किन को ड्राइनेस से बचा के रखें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल करने वाले हैं ड्राई स्किन की पहचान, होने वाली प्रॉब्लम क्या है और ड्राई स्किन से होने वाली प्रॉब्लम से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कैसे बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहचान के बारे में बात करते हैं। तो स्किन को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, फेस को वॉश करना है और बिना कुछ अप्लाई किए 5 मिनट तक छोड़ना है। ज़्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट छोड़ना है। और 5 मिनट जैसे ही गुजरेगा आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और स्किन खिंची खिंची लगेगी, बहुत पैची लगेगी, वाइटनेस आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है। तो ड्राई स्किन जब आपको समझ में आ चुका है, तो ड्राई स्किन पर आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है, डेली रूटीन को फॉलो करना है। तो बात करते हैं दूसरे नंबर का, जो है ड्राई स्किन की प्रॉब्लम क्या होती है। तो ड्राई स्किन हमारी तब होती है जब हमारी स्किन में नमी नहीं होती है, नरिशिंग नहीं होती है और हमारी खुद की स्किन ऑयल बना ही नहीं रही है। तो जब हमारी खुद की स्किन ऑयल नहीं बना रही है, नेचुरल ऑयल बन ही नहीं रहा हमारी स्किन में, तो हमें स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी भोजन ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी स्किन को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए हमारी स्किन को ऑयल ज़रूरी है। और जब स्किन ऑयल बना ही नहीं रही है, तो हमें बाहर से ऑयल देना पड़ेगा, मॉइस्चराइज देना पड़ेगा। और जब हमारी स्किन ऑयल बना ही नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी स्किन में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होगी, हमारी स्किन वीक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और पैची हो जाएगी। ये ऊपरी स्किन जो है डेड होना शुरू हो जाएगा और पैची पैची होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे स्किन निकल के वाइट वाइट सा निकल के चला आएगा, जैसे डैंड्रफ जैसा दिखाई देने लगेगा पूरे फेस पे, क्योंकि ऊपरी सतह मर चुकी है और वो वाइट हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है और लाइन लाइन पैची पैची दिखाई देने लगेगी। उसके साथ साथ फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फाइन लाइन्स की वजह से अगर आपकी एज 20 है तो 30 दिखने लगेगा, तो एज प्रॉब्लम भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और फेस एकदम डल डल सा दिखाई देता है, फेस पे ग्लो बिल्कुल नहीं रहता है। तो ड्राई स्किन की ये सारे प्रॉब्लम हैं। अब बारी है तीसरे नंबर की, जो है कि ड्राई स्किन की डेली रूटीन क्या फॉलो करें, जो हमारी स्किन नरिशिंग भी बनी रहे और मॉइस्चराइज भी बनी रहे और जो प्रॉब्लम है वो सारे दूर रहें और हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखाई दे। तो सबसे पहले हम लोग फेस वॉश की तरफ बढ़ेंगे। तो फेस वॉश हमें क्या लेना है, फेस वॉश में हमें ऐसा फेस वॉश नहीं लेना है जो झाग बनाता हो, जिसमें झाग बनता हो वो फेस वॉश नहीं लेना है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर हल्का फुल्का है वो भी वो निकाल देगा और स्किन और ड्राई हो जाएगी। तो फेस वॉश जब भी आप लेने जाएं तो आप ये देखिए कि मॉइस्चराइजर युक्त होना चाहिए, उसमें नरिशिंग होना चाहिए और वो झाग ना बना रहा हो, ऐसा फेस वॉश आपको लेना है। और उसके बाद आपको स्क्रबिंग करना है, सप्ताह में कम से कम 2 बार स्क्रबिंग करना है, क्योंकि ड्राई स्किन होने के कारण स्किन जो डेड होती है, डेड स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो हमारी स्किन की ऊपरी सतह है डेड हो चुकी है और डेंड्रफ जैसा निकल रहा है स्किन पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें स्क्रब अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो
ऑल स्किन टाइप आप स्क्रब लीजिए, और फेस वॉश भी ऑल स्किन टाइप ले सकते हैं। और फेस वॉश के साथ आपको ऐड करना है शहद। फेस वॉश आप थोड़ा सा लेंगे और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएंगे, या फिर एक बूंद ग्लिसरीन ले लेंगे, ऐड करेंगे और फिर फेस को वॉश करेंगे, तो इससे स्किन क्लीन भी हो जाएगी और फेस की नरिशिंग भी बनी रहेगी। आप ड्राई स्किन के लिए या फिर ऑल स्किन टाइप स्क्रब ले सकते हैं, और उसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा चीनी। आप चीनी को थोड़ा सा पीस लीजिए मिक्सर में, उसमें चीनी ऐड करिए स्क्रब के साथ, और उसमें थोड़ा सा शहद भी ऐड करिए, ताकि वो आपकी स्किन को क्लीन भी करे और नरिशिंग भी बना के रखे। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, सप्ताह में 2 से 3 बार स्क्रबिंग ज़रूर करना है। ये आपको और नहाने के पानी में थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करना है। ग्लिसरीन थोड़ा सा नहाने के पानी में डाल देंगे तो स्किन की नमी बनी रहेगी और स्किन ड्राई नहीं होगी और स्किन क्लीन भी हो जाएगी। उसके बाद आपको नंबर 4 पे जाना है। जब आप बाथरूम में जाने वाले हैं फेस को वॉश करने के लिए, नहाने के लिए, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर पानी में डाल के पानी को उबालना है, और उससे थोड़ा तौलिया से ढक के थोड़ा सा स्टीम लेना है, थोड़ा सा भाप लेना है, ताकि स्किन की नरिशिंग बनी रहे और पोर्स भी ओपन हो जाए। तो भाप लेने से ड्राइनेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ड्राइनेस से होने वाली प्रॉब्लम भी बहुत कम हो जाती है। तो दिन में 1 से 2 बार सुबह ले सकते हैं, और शाम को सोने से पहले आपको भाप ज़रूर लेना चाहिए, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या फिर स्किन सीरम डाल के। तो ये आपको फॉलो करना है। अगर इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, और ऑल टाइम आपकी स्किन नॉर्मल जैसी दिखेगी और ड्राइनेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो हो गई सुबह का ट्रीटमेंट और शाम का ट्रीटमेंट। अब क्रीम में आप क्या फॉलो करेंगे? क्रीम में आपको फॉलो करना है नरिशिंग क्रीम, डीप मॉइस्चराइजर आपको लेना है, डीप मॉइस्चराइजर जो बहुत डीप हो, और आपको थोड़े थोड़े देर में मॉइस्चराइजर को अप्लाई करते रहना, जैसे 1 घंटे 2 घंटे इस तरह से गैपिंग करके बार बार आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करते रहना है। क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऑल स्किन टाइप ले सकते हैं। स्किन सीरम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप जैसे ही बाथरूम से निकल के आते हैं तो आपको डीप मॉइस्चराइज करना है फेस को, और मॉइस्चराइज करने के बाद आपको स्किन सीरम अप्लाई करना है, उसके बाद से कोई भी नरिशिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो मॉइस्चराइजर सीरम और नरिशिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको सनस्क्रीन क्रीम अप्लाई करना है, और तब आपको बाहर जाना है। और बाहर जाते समय आपको कोशिश यही करना है कि धूप से अपनी स्किन को बचा के रखना है। और फिर जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हैं, घर में आते हैं, तो फिर दोबारा आपको फेस वॉश करना है, और फेस वॉश करने का तरीका वही रहेगा, शहद ऐड करना है फेस वॉश में, और उसके बाद से आपको डीप मॉइस्चराइज करना है और सीरम यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको अपने रूटीन को फॉलो करना है, और आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको बहुत ठंडे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है किसी भी टाइम में। अगर सर्दियां हैं तो भी, सर्दियों में तो आपको करना ही नहीं, लेकिन गर्मियां हैं तो भी आपको ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है। ठंडे पानी से स्किन और ड्राई हो जाएगी और आपकी स्किन प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको हमेशा नॉर्मल पानी का ही यूज़ करना है। ड्राई स्किन वाले दूध का सेवन ज़रूर करें। दूध पीने से स्किन बहुत ही नरिशिंग और ग्लोइंग होती है, और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, दूध पीना है, और बादाम ऑयल अपने पूरे बॉडी पर और पूरे फेस पर अप्लाई करना है रात को सोते समय। तो रात को सोने से पहले स्टीम लेना है, और उसके बाद बादाम का ऑयल अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, इससे स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे बताए हुए रूटीन को आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन की ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी, और जैसे बाकी स्किन में बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी,
और मजे की बात यह है कि आपको ऑल टाइम एक ही रूटीन के साथ रहना पड़ेगा, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, बार बार प्रोडक्ट चेंज नहीं करना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं, और स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।